और कुछ भैया लोग थे आपको पता, मतलब वो लोग कैमरा पकड़ लिए, तो यही बुरा लगा, वैसे नहीं करना चाहिए। यदि आप कुछ बना रहे हैं ना तो फिर ठीक है, पर किसी की चीज़ें टच करना इट्स नॉट अ प्रैंक। वैसे वो बोले कि प्रैंक वीडियो है, पर ठीक है मैंने भी बोला ठीक है, वैसे चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए लोग, उस साइड गए कहीं वीडियो बना रहे हैं। तो आपको ब्लॉग्स कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। आपको पता वहाँ पे मतलब हम लोग सोचे बहुत अच्छा पार्क होगा, वेद वन पार्क वैसे अच्छा ही पार्क है, पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, नहीं तो कार पार्क करने की कहीं जगह थी, मतलब कुछ भी जगह नहीं था भाई। और उसके बाद से बहुत दूर ले जाकर पार्क किए गेट नंबर 3 से, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना पूछे नहीं। और सिर्फ क्या देखने के लिए, वो जो पानी नहीं होता है लेज़र लाइट वाला, तो उसको देखने के लिए सब कोई मतलब लोग वहाँ पे खड़े थे। और आप लोग भी ब्लॉग्स में दिखाया ही, मतलब आप लोग को कैसी लगी वो सारी चीज़ें। और सबसे मस्त उसमें था ना कि जिसमें से जैसे पानी नहीं निकल रहा था और दीवार पे जाकर जो चित्र बन रहे थे वो वाला पार्ट सबसे बेस्ट था। और भी बहुत सारी मतलब सारी की सारी वैसे ये चीज़ें हैं ना कि वहाँ पे ऋग्वेद और जितनी भी वेदें होती हैं वेद के बारे में बहुत सारी वहाँ पर बताई गई, क्योंकि उसका नाम ही है वैसे वेद वन, तो इसीलिए हर चीज़ वहाँ पे एक था वैल्यू ऑफ पाई, ये भी सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें थी। आप लोग मतलब जाकर रात को 8 बजे करीब आप लोग यदि जाते हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, मतलब वहाँ पे जो नहीं दिखाया सीन वो रात को 8 ही बजे चालू होता है। और मतलब वहाँ पे नहीं तो एक पार्किंग का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री है, और वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं रात को 8 बजे करीब वो सारा चालू होता है कार्यक्रम विजुलाइजेशन पानी के फॉग पे। तो गाइस बेस्ट था माना जाता है एक तरह से, तो और क्या ही चाहिए, सारा कुछ तो अच्छा है। वैसे सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों को उस ब्लॉग में उसमें मतलब बहुत सारी हम लोग अपने वेदों के बारे में जानने को मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट था। और हमको लगता है जाना चाहिए, और थोड़ा जो पानी का जो नहीं ऊपर फुहारा फेंक रहा तो वहाँ पर हमेशा रहना चाहिए, ताकि जब भी चालू हो तो एकदम नज़दीक से देखें, आवाज़ सुने, काफ़ी मस्त लगता है, मतलब एकदम साइड वाइड से खड़े नहीं, आगे या पीछे खड़े रहिए, काफ़ी बेस्ट दिखेगा और मज़ा भी आएगा आपको। तो गाइस यदि आपको ये ब्लॉग्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग और भी मेरी वीडियोस देख पाएँ, काफ़ी अच्छी होंगी। और फैमिली ब्लॉग्स हर चीज़, जैसे मैं क्या पढ़ा, मैंने कुछ ऐसा चीज़ बनाया, वो सारी चीज़ें, तो गाइस प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ऑल्सो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। वैसे खाना बन गया तो वही खिलाने के लिए बुला रहे थे लोग, और प्लीज़ सपोर्ट अस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।